तो मैं हमेशा कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उसकी आँखों से। तो यहाँ पर क्लोज्ड आई है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आईलैशेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम सेडार कलर से ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर से हम ब्लैक कलर करेंगे। तो गाइज ध्यान रखने वाली बात ये है, आप कहीं भी हेयर ड्रॉ करें तो डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस लेयर्स ऐड करेंगे और उसके बाद हेयर को ड्रॉ करेंगे। अब सेम चीज़ मैं आईब्रोज के लिए भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो हम लाइट ब्राउन कलर से पहले आईब्रोज शेड करेंगे, उसके ऊपर से हम ब्लैक कलर की शेडिंग देंगे। तो गाइज आते हैं स्किन पर। तो स्किन ड्रॉ करते वक्त याद रखने वाली बात ये है कि आप एक ही बार में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि स्किन ड्रॉ करते वक्त हम लेयर्स में कलर्स को ऐड करेंगे। तो गाइज यहाँ पर स्किन ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो है पीच पफ, डॉन, बेबी पिंक, बीवर ब्राउन और ब्राउन ऑकर। और फाइनल टचेस जैसे हाइलाइट्स देने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट कलर और थोड़ा सा क्रीम कलर। इस पोर्ट्रेट में जो शेडो वाला एरिया है, जो थोड़ा सा डार्कर एरिया है, उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने सेडार और ब्लैक दोनों कलर को मिक्स करके यूज़ किया है। तो गाइज आते हैं अब लिप्स पर। तो लिप्स पर काफ़ी प्रिटी पिंक कलर की लिपस्टिक थी, तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने मावे, कोरल और लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है। और लिप्स में जहाँ पर शेडोज थे उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने ब्राउन ऑकर कलर का यूज़ किया है। और लिप्स में शाइन ऐड करने के लिए मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। अब फाइनली हम आईब्रोज पे ब्लैक कलर से फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर हमें रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करना है और सेम डायरेक्शन में हर एक हेयर को ड्रॉ करना है। और फिर बाकी की स्किन जैसे कि मैंने पहले बताया था सेम तरीके से हम शेड कर लेंगे। बाकी आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ।
अब आते हैं हेयर पर। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए हम से डार्क कलर से रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके सेम डायरेक्शन में हर एक हेयर को बेस लेयर से ही हमें ड्रॉ करना शुरू करना है। तो गाइज, हेयर ड्रॉ करते वक्त हमें थोड़े से लंबे स्ट्रोक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है, तो पेंसिल को हम थोड़ा सा पीछे पकड़ेंगे ताकि हम आसानी से लंबे लंबे स्ट्रोक्स ड्रॉ कर पाएं। अब सेडार कलर के ऊपर से हम एक बार ब्लैक कलर से लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से लंबे लंबे स्ट्रोक्स में ड्रॉ करना है। और हेयर की शाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रे और वाइट कलर का यूज कर रही हूँ। तो हेयर हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो अब आते हैं ज्वेलरी पर। तो यहाँ पर हमें रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन वाली एक गोल्ड ज्वेलरी देखने को मिलती है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रेड कलर के स्टोन्स को ड्रॉ करेंगे। अब इसके ऊपर हम जो वाइट स्टोन्स हैं उसमें नेचुरल इफेक्ट आने के लिए ग्रे और वाइट कलर से शेड करेंगे। और फाइनली ग्रीन ज्वेलरी ड्रॉ करने के लिए मैंने टील ग्रीन और फॉरेस्ट ग्रीन के कॉम्बिनेशन का कलर यूज़ किया है। गाइस, सेम तरीके से हम पूरी की पूरी ज्वेलरी ड्रॉ कर लेंगे। बाकी आप ऑब्जर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।
तो गाइस होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और भी ऐसे आर्ट ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग टू द ड्राइंग तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ।